हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे न्यू पैटर्न स्पॉटिंग एरर्स के कुछ क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस सभी बैंकिंग एग्जाम्स और सभी इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि ये करेंट ट्रेंड के क्वेश्चंस हैं और इस तरह के क्वेश्चंस इस समय पूछे जा रहे हैं, तो इनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो क्लास में। चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए, इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, एक सेंटेंस यहाँ पर दिया है और इस सेंटेंस को पांच पार्ट में डिवाइड किया गया है, चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक्चुअली पांचवा जो पार्ट है नो एरर का, उसको नीचे दिया गया है। तो इस चार पार्ट में से दो पार्ट में जो भी एरर है, ग्रामेटिकल एरर है या कॉन्टेक्चुअल एरर है, उसको आपको फिगर आउट करना है, फाइंड आउट करना है, और इसके अकॉर्डिंग फिर आपका कॉम्बिनेशन बनेगा और वही फिर इसमें आपका आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और कभी कभी ये समझना मुश्किल हो जाता है कि इसमें कहाँ पर गलती है। काफ़ी ट्रिकी ये क्वेश्चंस होते हैं। अब जैसे इसको हम पढ़ते हैं, नाउ ए डेज नो बडी गोज टू अ बैंक। नाउ ए डेज यानी आजकल, नो बडी, नो बडी सिंगुलर है तो गोज यहाँ पर सही है, गोज टू अ बैंक। देखिए, इस तरीके से आपको स्पॉटिंग के क्वेश्चंस को एनालाइज करते हुए करना होता है, एक एक पार्ट को आपको एनालाइज करना है, और जैसे ही ग्रामेटिकल एरर कोई भी होगी तो आपको आपको वहाँ पर एक एक सेंस से क्रिएट हो जाता है। प्रैक्टिस करने से आपको पता पड़ जाती है कि यहाँ पर एक ग्रामेटिकल या कॉन्टेक्चुअल एरर हो सकती है। तो नाउ ए डेज नो बडी गोज टू अ बैंक फिजिकली, आजकल कोई भी फिजिकली बैंक नहीं जाता है फॉर ट्रांजेक्ट बिजनेस। तो देखिए, यहाँ पर गलती है। यदि आप फॉर को प्रपोजिशन के तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके साथ ING फॉर्म यहाँ पर आनी चाहिए वर्ब की। यदि यहाँ पर आप टू लगा रहे हैं तो फिर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस वर्ब के साथ, गोज के साथ टू यहाँ पर अप्रोप्रिएट रहेगा। नो बडी, नाउ इट इज नो बडी गोज टू ए बैंक फिजिकली टू ट्रांजेक्ट बिजनेस। देखिए, कुछ वर्ब्स के साथ हम टू लगाते हैं, कुछ के साथ फॉर लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर टू ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगी फॉर की अपेक्षा। यदि आप फॉर लगाते हैं, टू के थ्रू हम एक्चुअली ट्रांसफ़र दिखाते हैं, किसी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसफ़र दिखाते हैं, और फॉर के थ्रू हम पर्पस दिखाते हैं। तो पर्पस यदि आप दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको ING फॉर्म लगाना होगी, और यदि आप टू लगाना चाहते हैं यहाँ पर, तो फिर ये यदि फर्स्ट फॉर्म है तो फिर यहाँ पर टू आपको लगाना होगा, ठीक है। गोज के साथ हम नॉर्मली टू लगाते हैं, फॉर नहीं लगाते हैं। तो एक तो इसमें ये पार्ट सही, एक एक तो इसमें ये पार्ट गलत हो गया, बी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, नेट बैंकिंग इज ऑलवेज मोर प्रेफरेबल टू ऑनलाइन प्रोसेस। मतलब इसका मतलब ये है कि ऑनलाइन बैंकिंग को ऑफलाइन प्रोसेस से ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ठीक है। तो प्रेफर या प्रेफरेबल जो वर्ड्स हैं, इसके बाद हम टू लगाते हैं, इसके बाद हम देन नहीं लगाते। तो टू तो यहाँ पर सही है, लेकिन प्रेफर और प्रेफरेबल अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री हैं, तो कंपेरेटिव डिग्री के साथ हम डबल कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी प्रेफरेबल के साथ आप मोर यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं। तो सी इसमें गलत है, एक बी इसमें गलत है और एक सी इसमें गलत है। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा बी सी। तो इस तरीके से दो एरर इसमें देखनी है, और चूंकि आजकल बैंकिंग एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं काफ़ी अनप्रडिक्टेबल होते हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और ट्रिकी होते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको इस तरह से दिया जा सकता है कि तीन या चार लाइन का एक सेंटेंस दिया जा सकता है। जैसे ये दो लाइन का सेंटेंस है, तो चार लाइन का सेंटेंस दिया जा सकता है, उसमें तीन एरर पूछी जा सकती हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन को बनाया जा सकता है और इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इस पूरे वीडियो क्लास को प्लीज़ पूरा देखिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताऊंगा। विमेन्स रिजर्वेशन, विमेन, देखिए इसको हम विमेन पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है महिलाएं या औरतें, ठीक है। तो विमेन रिजर्वेशन इज ए लॉन्ग पेंडिंग इलेक्टोरल रिफॉर्म। महिलाओं का जो रिजर्वेशन है, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो या कहीं पर भी पार्लियामेंट में, वो एक लॉन्ग पेंडिंग इलेक्टोरल रिफॉर्म है, ठीक है। रिफॉर्म मतलब वो एक सुधार है, और ये लॉन्ग पेंडिंग है, मतलब काफ़ी दिनों से ये चल रहा है और इसमें इसको सुधार करने की, इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। विच क्राइज आउट, अब देखिए यहाँ पर हम प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम पास्ट टेंस नहीं लगा सकते। यहाँ पर आप बोल सकते हैं विच इज़ क्राइंग आउट या विच क्राइज आउट, ठीक है।
मतलब विमेन रिजर्वेशन एक लॉन्ग पेंडिंग इलेक्टोरल रिफॉर्म है जो अपना ध्यान खींच रहा है या खींचता है या खींचता रहा है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, विच हैज क्राइड आउट भी बोल सकते हैं आप, तो विच क्राइज आउट फॉर अटेंशन। ठीक है, तो एक तो आपकी यहां पर गलती हो गई, किस पार्ट में, बी पार्ट में। अब हम आगे देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज टॉक ऑफ इट, ये सही है क्योंकि पार्टीज यहां पर प्लूरल है तो टॉक यहां पर सही है, ये प्लूरल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज टॉक ऑफ इट अमिट, इसको अमिट भी बोलते हैं, अमिट्स भी बोलते हैं, अमिट द टाइम ऑफ इलेक्शन। अमिट का मतलब क्या होता है, अमिट का मतलब किसी चीज से सराउंड होना, किसी चीज से घिरा होना, किसी चीज के बीच में होना। ठीक है, जैसे यदि मैं बोलूं कि वी वर सेलिब्रेटिंग अ पार्टी और वी वर सेलिब्रेटिंग अ पार्टी अमिड लॉट ऑफ नॉइज, ठीक है, तो अमिड का मतलब होता है किसी चीज के बीच में, इन द मिडल ऑफ समथिंग, और बी सराउंडेड बाय समथिंग। लेकिन यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज टॉक ऑफ इट, पॉलिटिकल पार्टी टॉक ऑफ इट, पॉलिटिकल पार्टी इस चीज की बात करती है, किस चीज की, विवेन रिजर्वेशन की, कब बात करती है, अमिड द टाइम ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन के टाइम के बीच में, इलेक्शन के टाइम के बीच में नहीं होगा ये होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन, जिस समय इलेक्शंस होते हैं उस दौरान। तो एमिट वर्ड जो है ये गलत है यहां पर, तो इसमें एक आपका बी हो जाएगा और एक आपका सी हो जाएगा। बट वंस द डस्ट सेटल्स ऑन बिजनेस एज यूजल बिकम्स द नॉर्म, इसमें इसमें ये बोला गया है कि इस रिफॉर्म के बारे में पॉलिटिकल पार्टी उस समय बात करती है जिस समय चुनाव चल रहे होते हैं, और जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो बिजनेस जो है, जो सारे काम काज जो है वो एज यूजुअल चलने लगते हैं। तो बी और सी इसमें आपका आंसर होगा, यानी आपका आंसर होगा इसमें थर्ड। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को निकालना है, इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए थोड़ा सा फोकस जरूरी है और सेंटेंसेस को पार्ट बाई पार्ट एनालाइज करते हुए आपको जाना है, और यदि आप रीड करते हैं रेगुलर बेसिस पर तो आप डिटेक्ट कर सकते हैं कॉमन एरर को या कॉन्टेक्चुअल एरर को, आसानी से आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, आर जर्नी, यहाँ पर जर्नी सिंगुलर है तो हैबन्ट बीन नहीं आएगा, यहाँ आएगा हैजन्ट बीन। तो एक तो इसमें ये गलती हो गई, आर जर्नी हैजन्ट बीन इजी, मतलब हमारी जर्नी जो है वो सरल नहीं रही है। हैजन्ट बीन इजी का मतलब शुरू से लेके अब तक सरल नहीं रही है। ठीक है, आर जर्नी हैजन्ट बीन इजी एंड इज ऑफन स्ट्रांगली रजिस्टेड, ये रजिस्टेड एक्चुअली वर्ब है, इसमें स्ट्रांगली एडवर्ब है, तो ये यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है ये सही है, स्ट्रांगली रजिस्टेड बाय मैन, ये भी सही है, बट देयर इज ग्रेजुअल रियलाइजेशन दैट दैट विमेन इशू आर कम्युनिटी इशू। देखिए यहाँ पर ये आर किसके लिए आया है, ये इस आर का सब्जेक्ट कौन सा है, ये आर एक है, आर एक लिंकिंग वर्ब है लेकिन इसका सब्जेक्ट है इशू, तो चूंकि लिंकिंग वर्ब प्लूरल है तो सब्जेक्ट कैसा होगा, प्लूरल होगा, तो इसलिए यहां पर आएगा इशूज। तो एक इसमें डी इसमें गलत है, ठीक है, एक इसमें ए गलत है और एक इसमें डी गलत है, यानी ए डी इसमें आपका आंसर है। तो आपका आंसर क्या होगा यहां पर, यहां पर आपका आंसर होगा फोर। ठीक है, यदि आप बैंकिंग एग्जाम में श्योर सिलेक्शन लेना चाहते हैं, बैंकिंग एग्जाम में या बैंक क्लर्क के एग्जाम में, तो इसके लिए आप हमारे ई कोर्स इंग्लिश सेक्शन के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, और इसमें बहुत ही डिटेल में इंग्लिश का पूरा सेक्शन, पूरा पूरा सिलेबस कवर कराया जाता है, पी का, मेंस का, डिस्क्रिप्टिव का और GDPI का। इनके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ से इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये नए बैचेस मैंने स्टार्ट किए हैं, और examinee.in इस वेबसाइट पर जाकर साइन अप करके भी आप इन ई कोर्सेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इट इज सेफ टू से दैट टुडे देयर इज कंसेंसस, ये कहना सेफ है कि आजकल, टुडे देयर इज कंसेंसस, आज आजकल या आज के टाइम में एक कंसेंसस है, एक सहमति है अक्रॉस ऑल स्टेक होल्डर्स, सभी स्टेक होल्डर्स के बीच में, अक्रॉस आप लगा सकते हैं, अमंग भी लगा सकते हैं, अक्रॉस भी लगा सकते हैं, दैट वी कैन नॉट प्रिपेयर, कैन नॉट सही है, प्रिपेयर सही है, फ्यूचर जनरेशन विथ टेक्स्ट बुक्स, मतलब फ्यूचर जनरेशन को आज के समय में हम टेक्स्ट बुक से तैयार नहीं कर सकते, विथ टेक्स्ट बुक और एनी ऑनलाइन वेरिएशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स अलोन,
केवल टेक्स्ट बुक से या टेक्स्ट बुक के जो अलग अलग वेरिएशंस हैं या वेरिएंट्स हैं उनसे हम फ्यूचर जनरेशन को तैयार नहीं कर सकते। तो इस सेंटेंस में कहीं कोई गलती नहीं लग रही है, ये सेंटेंस सही है। इट इज सेफ टू से दैट टुडे देयर इज कंसेंसस अक्रॉस ऑल स्टेक होल्डर्स दैट वी कैन नॉट प्रिपेयर फ्यूचर जनरेशंस विद टेक्स्ट बुक और एनी ऑनलाइन वेरिएंट भी हो सकता है, ये वेरिएंट और वेरिएशन ऑफ टेक्स्ट बुक अलोन। सो इन दिस क्वेश्चन योर आंसर इज फिफ्थ, दैट इज नो एरर। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। सोशल मीडिया है, देखिए यहाँ पर बिकम है, बिकम होती है थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर हैज़ या हैव लगाएंगे। अब सोशल मीडिया सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पर आप लगाएंगे हैज़। सोशल मीडिया हैज़ बिकम, तो इसमें एक तो ये गलती है ए, सो पॉपुलर दैट इट इज़ इवन केपेबल ऑफ मेकिंग इवन द वाइजेस्ट लुक वल्नरेबल। मेकिंग के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो ये सही है। वाइजेस्ट का मतलब है सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, मतलब इस सेंटेंस का मतलब ये है कि सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो गया है आज के टाइम में कि ये केपेबल है कि सबसे बुद्धिमान जो व्यक्ति है उसको भी ये वल्नरेबल फील करा सकता है। वल्नरेबल मतलब जिस पर अटैक किया जा सकता है, जो ओपन है, जो डिस्पोज्ड है, उसको हम बोलते हैं वल्नरेबल। ठीक है, तो इस सेंटेंस में एक्चुअली एक तो ए में गलती है और एक थोड़ा सा यहाँ पर ये इनअप्रोप्रिएट है। इवन, क्योंकि इवन का प्रयोग हमने दो बार कर दिया अलग अलग वर्ड्स के साथ, तो इवन कैपेबल यहाँ पर एडजेक्टिव है, इवन एडवर्ब है, तो ग्रामर के हिसाब से तो ये सही है, लेकिन सेंटेंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। ठीक है, सेंटेंस थोड़ा सा यहाँ पर इवन जो है ये रिडंडेंट है, ये एक्स्ट्रा है। सोशल मीडिया हैज़ बिकम सो पावरफुल दैट इट इज़ केपेबल ऑफ, इस तरह के स्ट्रक्चर्स में जैसे ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, या आप बोलें ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट इवन वॉक। तो इस तरह के सेंटेंसेस में नॉर्मली हम इवन का प्रयोग नहीं करते यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए इसमें इसको भी हम गलती मानेंगे। तो एक तो हो गया ए और एक हो गया सी, तो फोर्थ इसमें आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं। विद अ ग्रोइंग एंड एस्पिरेशनल पॉपुलेशन देयर इज नो डाउट दैट देयर विल बी ग्रेट प्रेशर ऑन फॉरेस्ट एरियाज इन इंडिया। जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है और एस्पिरेशनल पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन जो है हमारी, जो पॉपुलेशन है ये ग्रोइंग भी है और एस्पिरेशनल भी है, ग्रो कर रही है और एस्पिरेशनल है। एस्पिरेशनल का मतलब ये है कि सभी लोग, जो पॉपुलेशन है, जो यंग जनरेशन है, वो जल्दी से जल्दी नौकरी करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी अपना घर बनाना चाहते हैं, वो उनके एस्पिरेशंस काफ़ी लंबे चौड़े हैं। तो यदि आप घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आपको ज़मीन चाहिए, उसके लिए आपको फॉरेस्ट एरिया में जो पेड़ वगैरह लगे रहते हैं या फॉरेस्ट एरिया को आपको काटना पड़ेगा, उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो इस सेंटेंस का मतलब ये निकल रहा है, तो इसलिए प्रेशर आ जाएगा उस पॉपुलेशन की वजह से, प्रेशर आ जाएगा किस पर, फॉरेस्ट एरियाज पर। ठीक है, और ए यहाँ पर ये सही है क्योंकि पॉपुलेशन एक ही है लेकिन पॉपुलेशन ग्रोइंग भी है और एस्पिरेशनल भी है। ठीक है, तो इसलिए ए यहाँ पर सही है और इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, दिस सेंटेंस इज ओके। तो इसलिए इसमें आपका आंसर होगा फिफ्थ। विद अ ग्रोइंग एंड एस्पिरेशनल पॉपुलेशन देर इज नो डाउट दैट देर विल बी ग्रेट प्रेशर ऑन फॉरेस्ट एरियाज इन इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन सेवन देखते हैं। ओवर टाइम वी विल सी मोर एंड मोर कंपनीज केटरिंग इन, केटरिंग के बाद हम टू लगाते हैं। केटर टू का मतलब होता है किसी की नीड को पूरा करना, किसी की जरूरत को पूरा करना। मोर एंड मोर कंपनीज केटरिंग टू होगा यहाँ पे, केटरिंग टू पीपुल्स कस्टमाइज नीड्स अंटिल अंटिल विच बिकम्स अंटिल। देखिए विच का क्या मतलब है, ये विच किसके लिए आ रहा है, विच तो एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है, विच एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है और रिलेटिव प्रोनाउन किसी नाउन के लिए आता है और उस नाउन को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। तो वो एंटीसीडेंट जो है वो कहाँ है इसमें, ठीक है, वो एंटीसीडेंट नाउन के फॉर्म में होना चाहिए। नीड्स तो एक्चुअली वर्ब है, नाउन कहाँ है, इसका मतलब यहाँ पर विच नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा इट, अंटिल इट बिकम्स, अंटिल इट बिकम। तो इट किसके लिए आ रहा है, इट आ रहा है यहाँ पर इसके लिए। देखिए मैं बताता हूँ, ओवर टाइम वी विल सी मोर एंड मोर कंपनीज केटरिंग केटरिंग टू पीपुल्स कस्टमाइज नीड्स
एक्चुअली केटरिंग का जो एक्शन है उसके लिए जा रहा है, अंटिल इट बिकम्स यूबिक्विटस एंड परहैप्स इवन बोरिंग। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज आने वाले टाइम में लोगों की कस्टमाइज नीड्स को पूरा करेंगी, और वो इस काम को जब तक करेंगी जब तक ये रैम्पेंट यानी सब जगह नहीं हो जाता, यूबिक्विटस नहीं हो जाता, और शायद थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाता है ये प्रोसेस, तो तब तक ये कंपनीज के लिए काम करेंगी। और इट यहाँ पर एक्चुअली केटरिंग का जो प्रोसेस है उसके लिए आएगा यहाँ पर इट, ठीक है। तो एक आपका ये गलत हो गया इसमें। ओवर टाइम वी विल सी मोर एंड मोर कंपनीज केटरिंग, टू आएगा एक तो यहाँ पर, एक तो बी गलत हो गया और एक आपका ये सी गलत हो गया। तो इसमें आपका आंसर होगा थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं। इफ ए कंट्री इज ट्री, इफ कंट्री इज ए ट्री देन एजुकेशन आर इट्स रूट्स। देखिए इफ कंट्री, अगर कंट्री एक पेड़ है तो एजुकेशन इसकी रूट है। तो ये जो आर है, ये लिंकिंग वर्ब है, ये किसका किसको कनेक्ट कर रहा है, ये किसका किसके लिए आया है ये आर, ठीक है। तो आर का कनेक्शन एक्चुअली एजुकेशन से है, तो एजुकेशन चूंकि सिंगुलर है इसलिए इसको हम लिखेंगे इज, लेकिन इट्स रूट सही है, ठीक है। यदि कंट्री एक पेड़ है तो एजुकेशन जो है वो इसकी जड़ें हैं, किसकी जड़ें हैं, ट्री की जड़ें हैं, लेकिन आर कनेक्टेड किससे है, एजुकेशन से, तो इसलिए यहां पर आएगा इज। तो एक आपका ये गलती हो गया इसमें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द रूट्स स्ट्रोंगर देन नेवर बिफोर। नेवर बिफोर यहां पर गलत है। देखिए स्ट्रोंगर का मतलब क्या होता है, स्ट्रोंगर का मतलब है कि दो चीजें हैं, ये पहले है, पहले वो स्ट्रांग थी और अब वो स्ट्रोंगर है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप नेवर बोलेंगे तो पहले वो चीज़ थी ही नहीं, तो अब वो स्ट्रोंगर कैसे हो सकती है। तो यहाँ पर इन प्लेस ऑफ नेवर यू कैन से एवर बिफोर, मतलब पहले जितनी थी वो उससे अब स्ट्रांग है कोई भी चीज़। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस और लॉजिक आपको अप्लाई करना होगा। तो एक हो गया आपका डी, बी डी इसमें गलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं। नो मैटर व्हाट द फेक न्यूज मीडिया और साइकिक से, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फेक न्यूज मीडिया क्या कहता है या साइकिक्स क्या कहते हैं। साइकिक्स मतलब, साइकिक्स हम ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जिसको टेलीपैथी आती है, जो दूसरों का माइंड पढ़ सकता है, जो जो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकता है, बता सकता है कि क्या होगा, जिसके पास स्पेशल एक्स्ट्रा सेंसरी मेंटल एबिलिटीज हैं, उसको हम बोलते हैं साइकिक, ठीक है। तो नो मैटर व्हाट द फेक न्यूज़ मीडिया और साइकिक से यहाँ पर सही है, क्योंकि जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी हम प्लूरल लगाते हैं। द फ्यूचर ऑफ बुक्स इज सेफ, यहाँ पर ये इज जो आया है ये बुक्स से रिलेटेड नहीं है, ये फ्यूचर से रिलेटेड है, ठीक है। ये जो इज जो है ये इस फ्यूचर से रिलेटेड है, और फ्यूचर कैसा है, सिंगुलर, तो इसलिए ये सही है। बुक इस द फ्यूचर ऑफ बुक्स इज सेफ, यहाँ तक ये सेंटेंस सही है। अब दे किसके लिए आया है, दे आया है बुक्स के लिए, बुक्स है प्लूरल तो दे सही है, दे प्लूरल है तो यहाँ पर वर्ब आई है प्लूरल, ये भी सही है। दे आर नॉट गोइंग एनी वेयर, मतलब बुक्स कहीं पर नहीं जा रही हैं, बुक्स का जो रोल है वो ख़त्म नहीं होगा, तो ये सेंटेंस सही है। इसमें आपका आंसर होगा फिफ्थ यानी नो एरर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं। वी रिक्वायर, रिक्वायर सही है यहाँ पर क्योंकि वी के साथ लगा हुआ है। वी रिक्वायर वॉट, वी रिक्वायर द विल, हमें हमें एक इच्छा शक्ति चाहिए। वी रिक्वायर द विल टू टेक एक्शन, यहाँ तक ये सेंटेंस सही है। एंड टू कमिट, ये गलत हो गया आपका, टू के बाद यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एंड टू कमिट आर सेल्फ टू बी, एक तो इसमें बी गलत हो गया। वन ऑफ द की वर्ड, वन ऑफ द के बाद हम, वन ऑफ द के बाद हम जो नाउन लगाते हैं वो प्लूरल में लगाते हैं, यहाँ पर हो जाएगा लीडर्स, टू बी, यहाँ आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। एक तो हो जाएगा टू के बाद कमिट और एक हो जाएगा वर्ड लीडर्स, क्योंकि वन के बाद हम प्लूरल सब्जेक्ट लगाते हैं, क्योंकि वन का मतलब होता है कईयों में से एक, वन आउट ऑफ मैनी, तो इसलिए मैनी को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें कहाँ कहाँ पर गलती है, एक तो हो जाएगा बी और एक हो जाएगा आपका सी।
तो इस तरीके से मैंने इस वीडियो क्लास में 10 सेंटेंसेस लिए हैं, और आपको यदि एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप फर्स्ट टाइम आए हैं। कोई भी कमेंट है, कोई भी फीडबैक है, कोई भी गलती आपको लगी है और कोई भी क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पर और इन नंबर्स पर आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। यदि बैंक पीओ में आप श्योर सिलेक्शन लेना चाहते हैं और इंग्लिश सेक्शन आपकी वीकनेस है तो उसके लिए आप हमारे ई कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा और इस साइट पर जाके डायरेक्ट भी आप साइन अप करके इन कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इस साइट पर जाना है, साइन अप करना है, उसके बाद कोर्सेज के नाम से एक सेक्शन है वहाँ पर, उस कोर्सेज सेक्शन में जाके बैंक पीओ, बैंक क्लर्क और एसएससी के कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश सेक्शन के लिए। कोई भी क्वेरी है तो मुझे नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और ये मेरा कॉलिंग का नंबर है। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।